नमस्कार, मैं हूं कौशलेंद्र प्रताप सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रजातंत्र टीवी। आइए नजर डालते हैं दिन भर की 5 बड़ी खबरों पर। तो खबर शुरू करते हैं दिल्ली से। वायु प्रदूषण के मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। आपको बता दें, सुनवाई के दौरान जब दिल्ली के वकील विकास मेहरा ने MCD का जिक्र किया तो बेंच ने नाराजगी जताई। अदालत ने पूछा कि क्या आप नगर निगमों पर ठीकरा फोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अदालत ने कहा कि अगर आप ऐसा करेंगे तो हम आपके समूचे राजस्व को ऑडिट का आदेश दे देंगे। आप लोकप्रियता भरे नारों पर इतना खर्च कर रहे हैं। जब मेहरा ने स्पेशल सेक्रेटरी से निर्देश लेकर लौटने की बात कही तो अदालत और बिफर गई। CJI NB रमना ने कहा कि हमने सोचा था कि कार्यकालिका चर्चा के बाद किसी हाल के साथ लौटेगी, मगर ऐसा नहीं हुआ। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। दरअसल आपको बता दें, दिल्ली सरकार ने एक हलफनामा दाखिल किया था और कहा था कि लॉकडाउन लगाने के लिए हम तैयार हैं। इसी दौरान केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि प्रदूषण में पराली जलाने का योगदान सिर्फ 10% है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फिर से ये हाय तौबा क्यों है। कोर्ट ने कहा कि अगर जब पराली की वजह नहीं है तो बाकी जो समस्याएं उन्हें ठीक करने के लिए कदम उठाए जाएं। तो वहीं अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। हाल में ही महाराष्ट्र के कुछ शहर सुलग गए थे, उनमें अमरावती भी एक शहर था। अमरावती, नांदेड़ जैसे शहर क्यों जल उठे, इसके पीछे क्या वजह थी, इसे लेकर कई तरह के सवाल उठे। जिक्र आया कि त्रिपुरा में किसी मस्जिद में तोड़फोड़ की गई थी, लेकिन गृह मंत्रालय ने साफ किया कि त्रिपुरा के किसी भी हिस्से में हाल में ही तोड़फोड़ नहीं हुई, किसी भी धर्म स्थल को नुकसान नहीं पहुंचाया गया था। तो फिर सवाल यह था कि आखिर को वो कौन लोग थे, कौन शख्स थे या संगठन थे जिन्होंने सामाजिक ताने बाने का छिन्न भिन्न करने की कोशिश की। इसी बीच प्रजातंत्र टीवी के पास कुछ ऐसी जानकारियां आईं जिसके मुताबिक फेक न्यूज के जरिए अमरावती को सुलगाने की कोशिश की गई। अमरावती हिंसा केस में प्रवीण पोते नाम के शख्स ने पुलिस के सामने सरेंडर किया और अमरावती के पूर्व गार्डियन मिनिस्टर रहे हैं। आपको बता दें, इस केस में अब तक 9 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। BJP की तरफ से यह कहा गया कि रजा एकेडमी ने हिंसा की साजिश रची थी। इसी बीच मालेगांव में रजा एकेडमी के दफ्तर पर छापेमारी की जा रही है। पुलिस ने रजा एकेडमी के दफ्तर की तलाशी भी ली। वहीं अगली खबर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से जुड़ी, आपको बताएंगे। उत्तर प्रदेश विधान परिषद MLC चुनाव होने से पहले नेता सुरक्षित ठिकाने की तलाश में जुट गए हैं। ऐसे में नेताओं की पहली पसंद BJP बन रही है, क्योंकि उन्हें सत्ता में रहने की सियासी फायदा मिलने की उम्मीद है। इसी कड़ी में सपा के 4 MLC ने BJP की सदस्यता ग्रहण की है। 2022 के चुनाव से पहले BJP ने सपा को बड़ा झटका दिया। आपको बता दें, सपा के 4 विधान परिषद सदस्यों में रविशंकर सिंह पप्पू, CP चंद, रमा निरंजन, नरेंद्र भाटी ने बुधवार को BJP का दामन थाम लिया। सपा को छोड़कर BJP में शामिल होने वाले 4 नेता निकाय क्षेत्रों के द्वारा MLC हैं। माना जा रहा है कि BJP इन 4 सदस्यों को निकाय क्षेत्र में MLC चुनाव में फिर से उतार सकती है, क्योंकि ये सभी दिग्गज हैं और अपने अपने इलाके में मजबूत नेता माने जाते हैं। MLC रविशंकर सिंह पप्पू ने BJP की सदस्यता ली, जो कि पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के पौत्र हैं। चंद्रशेखर के पुत्र नीरज शेखर तो पहले ही सपा छोड़कर भाजपा में शामिल हो चुके हैं और राज्यसभा सांसद हैं। पूर्व मंत्री मार्कंडेय चंद के पुत्र CP चंद्र 2016 में सपा के साथ आए थे। सपा के समर्थन से गोरखपुर में MLC बने और अब उन्होंने BJP का दामन थाम लिया है। तो अब बात बिहार के DGP की। बिहार के DGP ने सरेंडर कर दिया है। जी, आपको बता दें, बिहार के DGP SK सिंगल ने साफ तौर पर माना है कि शराब की बिक्री पर एक बार में रोक नहीं लगाई जा सकती। आरोपी जमानत पर जेल से रिहा होने के बाद दोबारा शराब के धंधे में उतर जाते हैं। इसी पर रोक लगाने के लिए लगातार कार्रवाइयां करने की जरूरत है। DGP ने यह भी कहा कि हमने आरोपी को गिरफ्तार करके एक बार जेल में भेज दिया। जमानत पर जेल से निकलने के बाद वह दोबारा शराब की बिक्री में शामिल नहीं होगा, ये पक्के तौर पर कहा नहीं जा सकता। सवाल तब और गंभीर हो जाता है जब कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी जिस महकमे पर हो वह अपने हाथ खड़े कर दे। तो अगली खबर आपको बता दें, गुरु पर्व से ठीक पहले मोदी सरकार ने सिख समुदाय के श्रद्धालुओं को बड़ा तोहफा दिया। आपको बता दें, गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को कोरोना महामारी के कारण बंद किए गए करतारपुर साहिब कॉरिडोर को बुधवार को फिर से खोलने की घोषणा की है। गौरतलब है कि चंद महीने बाद ही पंजाब में विधानसभा चुनाव हैं। अमित शाह ने एक ट्वीट के जरिए कहा कि एक बड़े फैसले के तहत मोदी सरकार ने करतारपुर साहिब कॉरिडोर को 17 नवंबर से दोबारा खोलने के लिए प्लान किया है। यह फैसला श्री गुरु नानक देव जी और सिख समुदाय को लेकर मोदी सरकार की अपार श्रद्धा को दर्शाता है।
दूसरे ट्वीट में अमित शाह ने कहा, देश 19 नवंबर को श्री गुरु नानक देव जी का प्रकाशोत्सव मनाने के लिए तैयार है। मुझे भरोसा है कि मोदी सरकार के इस फैसले से देश भर में आनंद में बढ़ोतरी होगी। तो देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए प्रजातंत्र टीवी। नमस्कार।